हे गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम आए हैं फिर से एक नई वीडियो बनाने के लिए। पीछे खड़ी है हमारी बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रिबोर्न। तो भाई अभी जो बाइक है वो हमने जब बाइक नई नई परचेज की थी उसी दिन हमने इसमें टैंक फुल करवाया था। हमारा टैंक जो है वो फुल हुआ था भाई समथिंग 1250 कुछ का, 13 लीटर का इसका टैंक है। तो इसका मतलब कि कंपनी ने भाई हमें तेल ही नहीं दिया 4-5 किलोमीटर चलने का। अभी जो बाइक है वो हम क्रूज करने वाले हैं सिर्फ अपने 70 या 80 के ऊपर, इससे ऊपर हम बाइक लेकर जा नहीं रहे हैं भाई। सिटी के अंदर तो आते टाइम पता लग गया कि सिटी में जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी तो हम हैं हाईवे पर, हाईवे पर क्रूज करते हैं। 70 80 इस ऊपर भगा नहीं रहे क्योंकि सोच रहे हैं कि पहले फर्स्ट सर्विस जो होगी 500 किलोमीटर तक, यानी उसको हम बाइक को इतने ही स्पीड पर मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि नया नया इंजन है भाई, इतना थोड़ा ज़्यादा अभी चलाने की इतनी भगाने की जरूरत अभी है नहीं हमें, और हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें जल्दी है ज़्यादा। अभी देखते हैं कि आते टाइम और चेक करा कितना पेट्रोल इसमें डलता है, क्या कुछ रहेगा। 3 पेट्रोल पंप है, 3 पेट्रोल पंप और तीनों के तीनों राइट साइड में। तो भाई हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप। अभी करवाते हैं टैंक फुल पहले। भाई कार्ड ले लो, कार्ड फुल कर दो। तो भाई वापस हम उसी जगह पर आ चुके हैं, टैंक हमने फुल करवा लिया है, टैंक हमने फुल करवा लिया है। तो हमारी जो बाइक चली थी वो चली थी 277 किलोमीटर, और जो पेट्रोल आया था 908 रुपये का पेट्रोल आया था, 908, और जो पेट्रोल था वो था भाई 9.30 इतने लीटर इसके अंदर पेट्रोल आया था। तो बाइक ने जो मोटा मोटा एवरेज हमें निकाल के दी है वो हमें 30+ की एवरेज दी है, बाकी फर्स्ट सर्विस के बाद हमें बाइक का पता लगेगा कि बाइक कितनी एवरेज देती है कितनी नहीं देती है। तो इसी तरह हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम आपको इसी याद अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।